नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी लगातार आरक्षण के विरोध में बयानबाजी कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने ठान लिया है कि वो एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके ही मानेगी। अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी के आरक्षण हटाने पर विचार करेंगे बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं था। आप महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान देखिए। राहुल गांधी ने क्या बोला, अब अगर आपके पास अभी वीडियो होगा तो दिखाइए क्या बोला वहां पे जाके, कि हमारे देश में जब हम सब बराबरी के होंगे तो अब हम लोग रिजर्वेशन के बारे में सोचेंगे। इसमें गलत क्या है? और बाबा साहब अंबेडकर की भी भूमिका वही है, राहुल जी ने जो बात बोली है उसमें गलत क्या है? तो आपने देखा, पटोले कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान में कुछ भी गलत नहीं था। वे ये भी कह रहे हैं कि आप उनका बयान सुनवा दीजिए। आइए तो हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जब अमेरिका में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम आरक्षण समाप्त करने पर विचार करेंगे। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब देश में निष्पक्षता होगी तब हम आरक्षण समाप्त करने पर विचार करेंगे। उनके इसी बयान को पटोले सही ठहरा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरक्षण विरोधी बयानबाजी करके कांग्रेस पार्टी आरक्षण समाप्त करने के लिए ग्राउंड बना रही है? क्या इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तब एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगी? कांग्रेस की मंशा पर सवाल सिर्फ इसीलिए नहीं उठ रहे हैं कि पहले राहुल गांधी और अब नाना पटोले ने आरक्षण समाप्त करने की बात की, बल्कि इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास आरक्षण विरोधी ही रहा है। आपको याद होगा कि कैसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में लगभग 9000 शैक्षिक संस्थानों से एससी एसटी और ओबीसी और वंचित वर्ग का 25% आरक्षण खत्म किया। आपको यह भी अवश्य याद होगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एससी एसटी आरक्षण खत्म किया और ओबीसी आरक्षण वहां लागू नहीं होने दिया। राजनीति का इतिहास हमें यह भी बताता है कि कैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण के लिए आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाले रखा था, कैसे राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर लागू होने वाले ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी का इतिहास यह भी बताता है कि राजीव गांधी आरक्षण लेने वाले एससी एसटी और ओबीसी समुदाय को बुद्धू बताते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार का आरक्षण विरोधी रवैया देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक जाता है। यह पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने ओबीसी आरक्षण के लिए बने काका कालेलकर कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया था। अब सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र चुनाव के बीच नाना पटोले आरक्षण खत्म करने की बात का समर्थन करके किसे खुश करना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई तो क्या पार्टी महाराष्ट्र में आरक्षण समाप्त कर देगी? इसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरक्षण समाप्त करने की नीति कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपना ली है? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इन सवालों का जवाब देना ही होगा। दोस्तों, यहां एक और बात समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पीएम मोदी ने यह बात कही थी कि अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। आज कांग्रेस सत्ता में है तो नहीं, लेकिन आरक्षण के विरोध में खुलकर खड़ी दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने उस समय यह भी कहा था कि जब तक वे हैं तब तक कोई भी आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, जब तक बीजेपी है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। आरक्षण को केवल बीजेपी के कारण ही सुरक्षितता मिली हुई। आपने पीएम मोदी को सुना, उन्होंने कहा कि जब तक वे हैं कोई भी आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार आरक्षण विरोधी बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।